वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में नारद पहुंचे हुए हैं। नारद जानते हैं, आज की भाषा में मीडिया मीडिया लोग है ना, जर्नलिस्ट, सब जगह जाते हैं, जहां कोई नहीं जाता है वहां मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और ला करके बताते हैं, अच्छा हो बुरा हो सबको बता देते हैं। तो नारद को लोग कहते हैं ये झगड़ा कराता है, झगड़ा नहीं कराता, वो तो मीडिया है, उनका काम है बताना। जैसे आज भी मीडिया वाले बताते हैं, आपने कोई गलत काम किया उसको बता दिया, अब आप जानो आपको उसके लिए क्या कष्ट उठाना पड़ेगा, मुश्किल होगा क्या होगा। पति पत्नी के बीच में लड़ाई करवाया, लड़ाई थोड़े ही कराया आपको, गलत आप छुप के कुछ कर रहे थे, नारद को पता चला, बता दिया एक दूसरे को, बाकी आप लड़ते रहो उसका क्या जाता है ना। नहीं, वो तो बेचारा सिंपल बिल्कुल अपना ड्यूटी निभाता है, जो जहां पता चला वो बताना है, और वो सब जगह जाते हैं। तो नारद ऋषि हैं, परिब्राजक, परिब्राजक जो सब जगह घूमते फिरते रहते हैं, सब तरह के ज्ञान उनके पास होता है, सब तरह के इंफॉर्मेशन, ज्ञान नहीं इंफॉर्मेशन उनके पास होता है। तो वाल्मीकि के आश्रम में नारद ऋषि पहुंचे हुए थे। तो ऋषियों के आश्रम में लोग आते जाते रहते हैं, एक दूसरे के ऋषि भी आते हैं। तो वाल्मीकि ने जब नारद जी आए, उनका सत्कार किया, रिस्पेक्ट किया, करने के बाद पूछा, क्या पूछा, यहीं से बालकांड शुरू होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगम कोन्वस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़ व्रतः। वाल्मीकि ने नारद से पूछा, और नारद कैसे, तपः स्वाध्याय निरतम, जो हमेशा तपस्या करने वाले, स्वाध्याय करने वाले, स्वाध्याय समझते, सेल्फ स्टडी करने वाले, और वाक विदाम वरम, जो बोलने में बड़े एलोक्वेंट है, बड़े क्लियरली बोलते हैं, ज्ञानी भी है। देखिए, एक होना कि यू आर ए लर्नड पर्सन, स्कॉलर, सेकेंड थिंग है कि जो कुछ आप बोलते हैं बड़े कैटेगरिकल, बड़े क्लियर कट बोलते हैं, आपकी बातें समझ में आती है। मीडिया वाले तो ऐसे ही होते हैं ना। तो वाग्विदाम, वाणी को ठीक ठीक समझने वालों में ये वर है, श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही नारद से वाल्मीकि ने परिप्रच्छ पूछा, कौन अस्मिन् साम्प्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, इस लोक में, संसार में, लोक वर्ल्ड को कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जो गुणवान हो, एक्सलेंट क्वालिटी जो उसके अंदर हो, वीर्यवान और बहुत पावरफुल हो, धर्मज्ञ, जो सच है झूठ है, राइट है रॉन्ग है इनको ठीक ठीक समझता हो, कृतज्ञ और ग्रेटफुल हो, ग्रेटफुल का मतलब समझते हैं, जो दूसरों के द्वारा किए गए छोटी सी छोटी चीज को भी याद रखता हो, सत्य वाक्य, जिसकी वाणी में, जिसकी स्पीच में सच्चाई होती हो, दृढ़ व्रत, और जो बहुत फॉर्म है अपने बाओज या जो भी व्रत या संकल्प लेता है उसमें, चारित्रेण च कौ युक्त सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह कसमर्थश्च कश्चेहि का प्रिय दर्शन, जो अच्छे चरित्र से, जिसकी पर्सनालिटी गुड कंडक्ट हो, जिसके कंडक्ट बहुत अच्छा हो, जो सर्वभूतेषु को ही तह, और ऐसा व्यक्ति जो सभी प्राणियों का भला चाहता हो, जो विद्वान हो, ज्ञानी हो, का समर्थ, और जो कॉम्पिटेंट हो किसी भी चीज को करने में, और प्रियदर्शन देखने में भी बड़ा अच्छा हो, डिलाइटफुल अपियरेंस हो, आत्मवान को जिता क्रोध द्वितिमान को अनसूय कह कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे, और जो आत्मवान हो, सेल्फ रिस्ट्रेंड हो, अपने ऊपर कंट्रोल रखता हो, जिसका गुस्सा एंगर कंट्रोल्ड हो, द्वितिमान जो चमकता हो है ना, एंडोवेड विद स्प्लेंडर, और अनसूय का किसी के प्रति कोई जेलेसी कोई एनवी नहीं है, कस्य बिभ्यति देवाश्च
जातरोसस्य संयुगे, ऐसा कोई व्यक्ति है जो लड़ाई में जब जाए, वार में, बैटलफील्ड में जब उसको गुस्सा आए तो बड़े से बड़े योद्धा भी उसके सामने कांपे, वीर भी हो। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुं एवं विधं नरम्। हे महर्षि नारद, एतत् इच्छामि श्रोतुं, ये मैं जानना चाहता हूं, मुझे बड़ा कौतूहल है, बहुत क्यूरियोसिटी है, ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति है जो ये सब गुण उसमें हो? और मैं आपको इसलिए पूछा, हे महर्षि, त्वम समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम, तुम ही वो ऐसा व्यक्ति हो जो कॉम्पिटेंट हो ऐसे व्यक्ति को जानने के लिए। तुम कैसे कॉम्पिटेंट हो इन चीजों को जानने का, क्योंकि तुम घूमते रहते हो, तुम मीडिया वाला हो। हम कहां बाकी लोग कहां जाएंगे? तुम अमेरिका भी जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, तुम गांव में जाते हो, शहर में जाते हो, नदियों में जाते हो, पहाड़ों में जाते हो, तुम सब जगह जाते हो, तो तुम्हें जरूर पता होगा। वाल्मीकि अपनी कवि की प्रतिभा है, जो पोएटिक टैलेंट है, उसको यूज करना चाहते थे, मतलब किसी पर कुछ लिखना चाहते थे, पर वो ऐसा एक कैरेक्टर ढूंढ रहे थे जिस पर लिखें, जिसमें ये क्वालिटीज हो, तीन चार चीजें। वो नहीं चाहते थे किसी फिक्शन लिखें, कोई इमेजिनरी कैरेक्टर के ऊपर कुछ लिखें। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं कोई हिस्टोरिकल पर्सन पर लिखूं, मतलब जो कभी 500 साल पहले पैदा हुआ था, 200 साल पहले पैदा हुआ था, नहीं। वो चाहते थे कोई जिंदा आदमी हो, व्यक्ति हो, लिविंग पर्सन, जिसको मैं खुद सामने से देख सकूं, जान सकूं, मेरे कंटेम्प्ररी हो, कोई इमेजिनरी ना हो, रियल पर्सन हो, और उसमें ये क्वालिटीज हो जिसको मैं जो काव्य लिखने जा रहा हूं उसका मैं मेन कैरेक्टर बनाऊं, हीरो बनाऊं। मुझे एक ऐसा कैरेक्टर की खोज है। हो सकता है वो बहुत सारे ऋषियों से, बहुत सारे लोगों से ये पूछा होगा, पर आंसर इनको नारद जी से मिला। इसीलिए यहां नारद जी की जो कन्वर्सेशन है वहीं से वाल्मीकि रामायण का शुरुआत होती है। ध्यान देखिए शब्द क्या दिया, इसी पृथ्वी पर हो, जिंदा हो, नर हो, मनुष्य हो, और ये क्वालिटीज उसमें हो। वाल्मीकि रामायण में एक बहुत ही आइडियलिस्टिक, पावरफुल, एक क्या कहेंगे, आइडियल पर्सन को वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे थे। और वाल्मीकि रामायण के पूरे जो दूसरे कांड से लेकर छठे कांड तक, सेकंड टू लेकर सिक्स, टोटल 7 कांड है। अब वाल्मीकि रामायण का राम एक सिंपल, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जो स्ट्रगल भी करता है, जो जीतता भी है, परेशानी भी झेलता है, पर उसके अंदर हर सुख दुख में, परेशानियों में भी, जिसके अंदर वो मोरलिटी, वो एथिक्स, वैल्यू जो कंप्रोमाइज नहीं करता, यही वाल्मीकि को पसंद आया, इसीलिए उनको उन्होंने अपने कैरेक्टर में बनाया। तो बेसिकली नारद से जो उन्होंने पूछा, इतने सारे कैरेक्टर्स होना चाहिए, ऐसा कोई मनुष्य आप जानते हो जो जिंदा हो, अभी हो, ये गुण हो, तो देखते हैं आगे क्या हुआ। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकेर नारदो वचः, श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणः, मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्ता श्रूयतां नरः। नारद ने वाल्मीकि के इन प्रश्नों को सुन करके बोला, और नारद कौन है? वाल्मीकि लिखते हैं त्रिलोकज्ञ, जो सब आगे पीछे बाएं दाएं सब कॉन्टिनेंट सबको जानते हैं, जो
सबको जानने वाले नारद जी ने इन सबको सुन करके बोला, श्रूयताम वाल्मीकि जी सुनिए ऋषि वाल्मीकि, क्या बहवो दुर्लभाश्चैव येत्वया कीर्तिता गुणा। हे मुनि, आपने जो गुण ढूंढ रहे हैं किसी व्यक्ति में, मोस्ट ऑफ जो क्वालिटीज आपने मुझे बताया ढूंढने के लिए, ये बड़े रेयर होते हैं, दुर्लभा, दुर्लभ समझते हैं, दीज आर रेयर क्वालिटीज। परंतु हे मुनि, तब भी जितना मैं जानता हूं मैं आपको बताऊंगा कि जितने सारे गुण हैं एक व्यक्ति में ढूंढना मुश्किल है। मतलब देखिए, वो शास्त्रों को भी जानता हो और ब्रेव भी हो, है ना, वो लड़ाई के मैदान में भी अच्छा हो, क्लासरूम में भी अच्छा हो, वो अच्छा हस्बैंड भी हो पर अच्छा बेटा भी हो, है ना, बहुत सारे कंट्रडिक्शन आ जाते हैं। आप ग्रेटफुल भी हैं, देखने में भी सुंदर हो, कितने सारे क्वालिटीज हैं। तो इनमें से किसी में दो मिलेगा, चार मिलेगा, पांच मिलेगा, सारा मिलना तो हो सकता है। कोई सुंदर हो, ज्ञानी भी हो पर ब्रेव ना हो, पावरफुल ना हो, कोई बहुत ब्रेव हो, पावरफुल हो पर इतना धर्म का ज्ञान ना रखता हो, स्पिरिचुअल ना हो। तो नारद का यही कहना था कि आपने इतने सारे क्वालिटीज दिया, इनमें से कुछ क्वालिटी जो तो किसी में मिल सकता है, सारे के सारे एक में मिलना बड़ा मुश्किल है। तब भी मैं, जितना मेरी एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पर मैं कोशिश कर सकता हूं बताने के लिए कि ऐसा कोई कैरेक्टर है या नहीं है। तो नारद क्या बोलते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभव रामो नाम जनी श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्वितिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। तो बालकांड का जो पहला चैप्टर है वो चैप्टर एक तरह के छोटा रामायण है, मिनी रामायण। मिनी रामायण मतलब बालकांड के इस पहले चैप्टर में जो भी 50-60 श्लोक है उसमें पूरे रामायण की स्टोरी एक जिस्ट के रूप में बता दिया गया है, पूरी स्टोरी। मतलब राम का पैदा होने से लेकर अयोध्या वापस आने तक रावण को मारकर, सब इसी में आपको मिनी स्टोरी एक तरह का समरी मिल जाएगा, फिर हम एक्सपेंड आगे करेंगे। ऐसा क्यों हुआ ये भी समझना जरूरी है। वाल्मीकि ने जब नारद को पूछा, वो टाइम है कि राम ऑलरेडी अयोध्या आ चुके हैं रावण को मारकर और राजा बने हुए हैं, ये तभी का समय है जब वाल्मीकि नारद से ये क्वेश्चन, उससे पहले वाल्मीकि को राम के बारे में पता नहीं था। नारद को जब उन्होंने पूछा ये जो क्वेश्चन आपने अपनी सुना, ऐसा ऐसा कैरेक्टर वाला क्वालिटी वाला मुझे एक धरती पर जिंदा एक व्यक्ति को बारे में बताओ, तो नारद ने जो वर्णन किया जो कि पूरा मिनी रामायण इसलिए हो गया, वो पूरा का पूरा राम की स्टोरी पैदा होने से लेकर अयोध्या तक, जब तक वो उस समय तक जहां राम जो जिस पोजीशन में है, वो पूरी स्टोरी उन्होंने सुनाया नारद ने। तो वो वाल्मीकि को इम्प्रेसिव लगा, फिर उनको लगा कि नहीं, ये जो मैं ढूंढ रहा हूं जिसके जिसको बेस बना के मैं कुछ लिखूं, अरे यही पर्सन है। तो इसलिए एक तरह का वाल्मीकि को नारद ने एक छोटा रामायण सुनाया, फिर उसको उन्होंने फिर एलाबोरेटली उसको उन्होंने रखा। इवन आज भी आप देखते हैं ना, कोई ऑथर होते हैं, आजकल तो ऑथर लोग जो होते हैं प्रोफेशनल ऑथर, वो क्या करते हैं, मान लीजिए एक टॉपिक चूज करना है या कोई कैरेक्टर चूज करना है, जैसे कोई रामायण समझ लीजिए एक तरह के बायोपिक है, है ना, बायोग्राफी है राम की स्टोरी। और मान लीजिए किसी भी चीज पर ऑथर लिखना चाहता है, आजकल रिसर्च करते हैं, रिसर्च मतलब मान लीजिए आप इंडिया के किसी पर्टिकुलर यूपी का किसी गांव के किसी को बना करके आप कोई ऑथर स्टोरी लिखेगा, तो वो आजकल क्या करते हैं, वो गांव जाते हैं, वहां रहते हैं, वहां के लोगों के साथ खाना पीना रहन सहन बैठना उठना
उनके दर्द, उनके फीलिंग, उनके प्रॉब्लम, उनके अच्छाइयां, उनके कल्चर डीपली घुसते हैं, फिर उसके बेस पर वो लिखते हैं, जब तक पूरा समझते हैं। मतलब लिटरेरी लोग भी रिसर्च करते हैं, एक ऑथेंटिक कोई लिटरेचर या काव्य या नॉवेल लिखने के लिए, है ना, उसमें वो फिर अपनी लिबर्टी लेते हैं, उस नॉवेल में फिर वो अपने तरफ से काफी सारी चीजें, एक होता है ना पोएटिक जो लिबर्टी होती है, जैसे आप मूवी बनाते हैं या सीरियल बनाते हैं या डांस करते हैं, तो वो आपका एक क्रिएटिव लिबर्टी होती है, आप उसको मॉडिफाई करते हो एंटरटेनिंग कर एंटरटेन बनाने के लिए, पर बेसिक स्टोरी तो वो रहता है। यही चीजें आप वाल्मीकि और नारद में आप देखेंगे। नारद जी से पूछ के, उन्होंने बहुत लोगों को पूछा होगा, पर नारद जी वाला उनको क्लिक किया, तो नारद जी से जो उन्होंने सुना, ये फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे बालकांड के प्रथम सर्ग में, तो उसको सुनने के बाद फिर वाल्मीकि ने अपना खुद का रिसर्च किया, बाहर गए, पता लगाया सचमुच क्या है क्या नहीं, एक एक चीज को समझा जाना, फिर उन्होंने रामायण को लिखा। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पहुंचे, वाल्मीकि ने प्रश्न पूछा कि इतने सारे क्वालिटी वाला कोई व्यक्ति है कि नहीं है, तो नारद अभी बताना शुरू करते हैं और वो पूरा एक मिनी रामायण आपको सुनने को मिलेगा। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनेहि श्रुता, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। ऋषि वाल्मीकि, आपने तो जो सवाल पूछा वो तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने सारे गुण एक जगह मिलना मुश्किल है, पर एक व्यक्ति है, वो इक्ष्वाकु खानदान में पैदा हुआ एक व्यक्ति है, उसका नाम है राम, और वो पब्लिक में, लोगों में बहुत फेमस है। नियतात्मा, जो सेल्फ रेगुलेटेड है, महावीर्य, इनकम्प्रेहेंसिबल प्रोविस उसमें है, बहुत पावरफुल है, द्वितीमान, बहुत चमकता हुआ, धृतिमान, उसकी सेंसेस बहुत कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, और कैसे, बुद्धिमान, बहुत इंटेलेक्चुअल है, नीतिमान, लॉज रेगुले, जो जो एथिकल वैल्यूज है उसको फॉलो करने वाला है, वाग्मी, गुड स्पीकर है, श्रीमान, देखने में भी बहुत सुंदर है, शत्रु निवारण, शत्रुओं को नष्ट करने में भी एक्सपर्ट है, विपुलांश, उसकी जो सोल्जर है वो बहुत बड़े बड़े हैं। ये सोल्जर बड़ा बड़ा होने का अर्थ समझ पाते हैं, जब आप आर्मी में होंगे, आर्मी से रिलेटेड होंगे, तब आपको समझ में आएगा, मतलब आपकी सोल्जर और आर्म्स बहुत तो मोटे मोटे बड़े बड़े, आजकल दिखाते हैं ना वो सिक्स पैक, क्या कहते हैं, सिक्स पैक फोर पैक जो दिखाते हैं, है ना, वही वही वैसा ही कुछ, तो बड़े बड़े भुजा वाले, महाबाहु, कंबुग्रीव, इनका गला लंबा है, वैसे कंबू कहते हैं शंख को, शंख जानते हैं, क्रंच पता है ना, जो फूंकते हैं, महाहनु, उनकी जो हनु है चिक्स, वो भी बहुत स्ट्रांग है, ये शब्द ध्यान रखिए आगे बहुत काम आएगा, हनु, हनु कहते हैं चिक को, बड़ी और स्ट्रांग चिक। अच्छा, जिसके पास हनु है, जिसके पास धन है, उसको आप क्या कहते हैं, धनवान, ज्ञान हो ज्ञानवान, श्री हो श्रीमान कहते हैं ना, शक्ति हो शक्तिमान, और हनु हो हनुमान। ये शब्द को ध्यान रखिए, आगे हम किष्किंधा कांड में इसकी चर्चा करेंगे कि हनुमान कौन था और कैसे थे राम। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्रु ररिंदमह आजानु बाहु सुशील सुशीरा सुललाट सुविक्रमह समस्सम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। महा उरस्क, उनका जो चेष्ट था बहुत बड़ा था। महा ईश्वास, उनकी जो बाव है धनु वो भी बहुत बड़ा था। गूढ़ जत्रु, और उनकी जो कलर बोन थे वो भी बहुत स्ट्रांग था, मजबूत था। अरिंदम, अरि कहते हैं शत्रु, दम कहते हैं कुचलने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉयज, जो शत्रुओं को नष्ट करने में माहिर है, तो अरिंदम था। आजानु बाहु, जिसका बाहु, जिसका हाथ अपना नी तक आता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कहा जाता है, मुझे
सच्चे कि झूठे पता नहीं, आप लोग ज्यादा दुनिया देखा है। ऐसे कहते हैं कि जो बड़े लीडर होते हैं ना, बड़े लोग जो ग्रेट मैन होते हैं, उनके कुछ फिजिकल अपियरेंसेस होता है, जैसे उनकी ये जो हाथ है थोड़े बड़े होते हैं, उनका जो हाथ है ना ये लंबाई ये उनकी नी तक छूता है। सुशीरा बड़ा सुंदर सर है जिसका, सुललाट जिनकी फोरहेड भी बहुत सुंदर है, सुविक्रमा जो बहुत पावरफुल है, समा उनकी जो ओवरऑल बॉडी है, बॉडी स्ट्रक्चर है वो समा है। समा का मतलब नाइदर टॉल नाइदर टू टॉल नाइदर टू शॉर्ट। ऐसा नहीं कि कोई 7 फुट का है 6.5 फुट का है, ऐसा भी नहीं कि कोई 5 फुट का 4.5 फुट का है, जितना होना चाहिए उतना है। समा विभक्तांग उनकी जो बॉडी पार्ट्स है वो जैसा जिस वेल प्रोपोर्शनड लिम्स हैं, जिस बॉडी को बॉडी पार्ट को जितना होना चाहिए उतना है, ना बड़ा कान ही ना छोटा कान, ना बड़ा नाक है ना छोटा नाक, है ना जो जैसा है वैसा है। स्निग्ध वर्णा और उनकी कलर तो ठीक है जैसा है, पर वो कलर में शाइनिंग है, चमकता हुआ उनका रूप है। प्रतापवान बहुत माइटी हैं। पीन वक्षा, वक्ष कहते हैं चेस्ट को, जिनका चेस्ट वेल डेवलप्ड है। विशालाक्षो बड़े बड़े आंखें। लक्ष्मीवान शुभ लक्षण, उनकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज में उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे ऑस्पिशियस क्वालिटीज हैं। और ये तो हुआ फिजिकल अपीयरेंस, बाकी बाकी गुण क्या है देखिए। धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रत, यशस्वी ज्ञान संपन्न सुचिरवश्य समाधिमान, प्रजापति समश्रीमान धाता रिपुनिषूदनः, रक्षिता जीव लोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। ऊपर के 2-3 श्लोकों में आपने देखा उनका फिजिकल अपीयरेंस, अब देखेंगे उनकी जो क्वालिटीज है। धर्मज्ञ धर्म को ठीक ठीक समझने वाले, धर्म का रिलेशन है कंडक्ट से, बिहेवियर है ना, एटीट्यूड पर्सनालिटी, आप क्या करते हैं, कर्म अकर्म, अच्छा कर्म सिंपल भाषा में कहें अच्छा कर्म बुरा कर्म, धर्म अधर्म, पाप पुण्य का जो अर्थ है, बैड और गुड का जो अर्थ है, धर्म और अधर्म का वही अर्थ है। पर आज हम धर्म से सीधा रिलीजियस एक्टिविटीज की ओर जाते हैं, ऑल्दो रिलीजियस एक्टिविटीज भी एक छोटा सा कंपोनेंट है धर्म का, पर पूरा धर्म वो नहीं है। तो जब कहता है धर्मज्ञ जो धर्म को ठीक ठीक समझता है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या ड्यूटीज है क्या ऑब्लिगेशन है, क्या एथिक्स है क्या अनएथिकल है, क्या मोरल है क्या इमोरल है, क्या वैल्यू है क्या वैल्यू नहीं है, इन सब को धर्म के इसको जानने वाला तो राम धर्मज्ञ है। और सत्य संधश्च वो अपने संकल्प जो उन्होंने वाव लिया प्रॉमिस किया उस पर ऑनेस्टली टिके रहते हैं। प्रजानाम च हिते रहता, अपनी जो सब्जेक्ट है जो उनके राज्य के लोग हैं उनके कल्याण में हमेशा लगा रहता है, ठीक है, प्रजाओं के हित में लगे हुए हैं। यशस्वी बहुत फेमस हैं। ज्ञान संपन्न बहुत ज्ञानी हैं। शुचि बहुत क्लीन है। वश्य समाधिमान और अपने सेंसेस माइंड को कंट्रोल में रखने वाले, और न के समाधिमान मतलब वो मेडिटेशन में भी बहुत एक्सपर्ट हैं। और कैसे, प्रजापति सम श्रीमान धाता रिपु निषूदना, प्रजापति परमात्मा के जैसा श्री से हर तरह के जो सांसारिक ऑस्पिशियसनेस है शुभ चीजें हैं उन चीजों से भरे हुए हैं। धाता सस्टेनर हैं। रिपुनि शूदना, रिपु कहते हैं शत्रु, निशूदना कुचलने वाला, शत्रुओं को कुचलने वाला। रक्षिता जीवलोकस्य और जो भी प्राणी हैं उन प्राणियों के रक्षा करने वाले, धर्मस्य परिरक्षिता और धर्म का भी प्रोटेक्टर है। ये जो जो एक एक कैरेक्टर आप सुन रहे हैं ना ये रामायण में, ये सब आपको देखने को मिलेगा। कैसे वो जीवों का कल्याण करते हैं, राक्षसों को मारते हैं लोगों की रक्षा के लिए, इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए, कैसे धर्म की रक्षा करते हैं। यहाँ सिर्फ एडजेक्टिव दिया, पूरे रामायण में उसकी डिटेल में डिस्कशन आप पढ़ेंगे, ध्यान रखें इन चीजों का। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्वज्ञो
धनुर्वेदे च निष्ठितः स्वस्य धर्मस्य रक्षिता, अपने धर्म का प्रोटेक्टर है। स्वजनस्य च रक्षिता, अपने लोगों का, अपने लोग मतलब अपने रिलेटिव नहीं, अपने प्रजाओं का, अपने सब्जेक्ट्स का भी वो प्रोटेक्टर है। वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेदों के, वेदांगों के, दर्शन शास्त्रों के तत्व को, उसकी जो डीप सेंस है उसको भी ठीक ठीक समझने वाले। धनुर्वेदे च निष्ठिता, और धनुर्वेद को भी ठीक ठीक पढ़ा हुआ और प्रैक्टिस किया हुआ व्यक्ति है। धनुर्वेद मतलब जो मिलिट्री साइंस है, आपको पता है धनुर्वेद एक उपवेद होता है, उपवेद मतलब एक सब्सिडियरी वेद होता है। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिवान प्रतिभानवान, सर्वलोक प्रिय साधु, हृदिनात्मा विचक्षण, सर्वदा विगत सद्भि समुद्र इव सिंधुभि, आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रिय दर्शन। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, शब्दों को ध्यान से दीजिएगा। आगे आप रामायण में, ये तो रामायण नहीं है ना, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन है ना, आगे आप पढ़ेंगे। सर्व शास्त्र अर्थ तत्वज्ञ, सारे शास्त्रों के मीनिंग को, अर्थ को ठीक ठीक समझने वाले, स्मृतिमान, जिनकी मेमोरी भी बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, प्रतिभावान, बहुत ज्यादा टैलेंट भरा हुआ है, प्रतिभा कहते हैं टैलेंट, सर्वलोक प्रिय, सबका प्रिय है, हर कोई उनको प्यार करता है, साधु, बहुत ऑनेस्ट थे, अधीनात्मा, उनके अंदर किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, हम लोगों में बहुत है भाई, विचक्षण, और बहुत हर मामले में बहुत एक्सपर्ट थे। ये जो कहते ना, इसके अंदर बड़ा वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, संस्कृत में इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द आता है, दीनात्मा, दीन समझते हैं, जो अपने आप को बेचारा समझता है, छोटा हूं, अधीनात्मा, वो अपने आप को बड़ा भी नहीं समझता पर छोटा भी, नो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, पर्सन हु इज बियॉन्ड एनी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अरे ये बात इंडियन लोगों के लिए बहुत अप्लीकेबल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडियंस आर फुल ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम गोरों के सामने इन्फीरियर हो जाते हैं और अपने लोगों के सामने सुपीरियर हो जाते हैं, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। अधीन आत्मा, जिसके अंदर कोई दीनता नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसा है एंजॉय करता है। और कैसे हैं, सर्वदा अभिगत सद भी, हमेशा अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, कोई भी अच्छा आदमी उनसे मिलना चाहे, इज इजीली अवेलेबल, एक्सेसिबल फॉर एनी गुड पर्सन। कैसे, समुद्र इव सिंधु भी, कोई भी नदी समुद्र में मिलना चाहे वो कभी भी, देखिए ना सारे नदी एट द एंड ऑफ द डे कहाँ मिलते हैं, समुद्र में। इसी तरह राम अच्छे लोगों के साथ मिलने में वैसे इजी थे। आर्य सर्वसमश्चैव, आर्य थे, आर्य समझते, वो सेंट्रल एशिया से आने वाला नहीं है? वो आर्य मतलब श्रेष्ठ थे, ये भी हम पढ़ेंगे रामायण में, आर्य, आर्या शब्द बहुत डिस्कशन होगा आर्य के बारे में, ये सब चीजें रामायण में आपको देख सुनने को मिलेगा। आर्य थे, श्रेष्ठ थे, आर्य का लिटरेरी मीनिंग होता है ए पर्सन ऑफ वर्च्यू, ए पर्सन ऑफ वैल्यूज, जिसको आज की भाषा में आप कहते ना बड़ा धार्मिक है ना, तो उसको प्राचीन काल में आर्य कहते थे, श्रेष्ठ कहते थे। सर्व समा, सबको इक्वल देखने वाला, सदैक प्रिय दर्शन, और हमेशा डिलाइटफुल रहने वाला, जब भी उनसे मिलो हमेशा खुश मिलेंगे आपको, है ना। हम दुख में हम खुश मिलते भी हैं, अगर परेशानी हो तो मुंह लटक जाता है ना, और ज्यादा खुश हो तो उछलते हैं, बहुत लोग तो ऐसे हैं हमने देखा है, जब भी मिलो उनके पास सब कुछ हो तो भी मुंह लटकाए हुए मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते, वो हमेशा दुखी मिलते हैं, परेशान मिलते हैं, है ना। और ये सदैक प्रिय दर्शन, जंगल में भी रहे मस्त है, राजभवन में भी रहे मस्त है, रावण से भी बात करते हैं उतनी मस्ती से जितना सीता से बात करते हैं उतनी मस्ती से, तो हमेशा प्रिय दर्शन, प्रिय समझते हैं, प्यारा,
दर्शन देखने में हमेशा प्रिय देखने में सच सर्व गुणोपेत कौसल्यानंद वर्धन समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवान इव। जो आपने क्वालिटीज पूछा है वाल्मीकि, सब गुणों से वो भरपूर हैं। और वो कौन है? कौसल्यानंद वर्धन, कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले, मतलब कौसल्या के बेटे है। और समुद्र इव गांभीर्ये, उनकी जो गांभीर्य है, जो डेप्थ, जो उनके दो थॉट्स में जो डेप्थ है वो समुद्र के समान है। और उनका धैर्य, धैर्य समझते हैं, उनका जो पेशेंस है वो हिमवान इव, हिमालय जैसा है ना उनका पेशेंस है, इतना स्ट्रांग है। विष्णुना सदृशे वीर्ये, उनका जो वीर्य है, जो उनकी जो प्रवेश है, पावर है, वो विष्णु जैसा है। सोमवत प्रिय दर्शन, सोम कहते हैं चंद्रमा, मून, चंद्रमा के दर्श तरह डिलाइटफुल, उनके अपीयरेंस बड़ा प्यारा है। कालाग्नि सदृश क्रोधे, ध्यान दीजिए, पावर में विष्णु जैसा, रूप में अपीयरेंस में चंद्रमा जैसा कूल, और जब गुस्सा आता है तो कालाग्नि आग जैसा, और क्षमा में पृथ्वी जैसी। पृथ्वी समझते हैं ना, क्षमा का साथ पृथ्वी का, और पृथ्वी को तो हम मां कहते हैं ना, और आप उसमें कूदते हैं, नाचते हैं, खोदते हैं, सब करते हैं, सब सहती है। तो वही, कितना भी कष्ट आए, कितना भी कष्ट आए, दुख आए, जो हंसते हंसते सह जाए, उसको हम कंपेयर करते हैं पृथ्वी के साथ। धन देना सम त्याग, त्याग में, सैक्रिफाइस करने में, चैरिटी करने में धन द कुबेर के समान है। सत्य धर्म इव परा, और सच्चाई में मानो दूसरा धर्म हो, मानो जो धर्म है वो एम्बोडीमेंट हो गया हो राम के रूप में। तमेव गुण संपन्नम रामम सत्य पराक्रमम ज्येष्ठम श्रेष्ठ गुणैरि युक्तम प्रियम दशरथ सुतम। वो जो राम, जिसके बारे में आपने पूछा, उनका नाम राम है, इन सब गुणों से भरे हुए हैं, वो श्रेष्ठ गुणों से ज्येष्ठ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है, ध्यान दीजिए, वो ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का क्या मतलब होता है? बिग मैन है, बड़ा आदमी है, ग्रेट है। और किससे बड़ा आदमी है? पावर से, पोस्ट से, पैसे से नहीं, श्रेष्ठ गुण ही, अच्छे अच्छे गुणों के कारण वो श्रेष्ठ हैं। दशरथ सुतम, कौशल्या माँ है, दशरथ पिता है। प्रकृति नाम हितेर युक्तम, आपने गीता पढ़ी है और भी बहुत सारे दर्शन शास्त्र पढ़ा है, तो प्रकृति शब्द से आपने क्या समझा था कि जो संसार है उसका जो एलिमेंटल स्टेज है उसको प्रकृति कहते हैं। और वेदांत दर्शन में आपने क्या पढ़ा? कोई भी शब्द का कोई यूनिवर्सल मीनिंग नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता है। जब पॉलिटिक्स की बात हो, प्रकृति का मतलब होता है सिटीजन्स, प्रजा, प्रजाओं को प्रकृति कही जाती है। यहाँ असंख्य पढ़े तो प्रकृति मतलब और मीनिंग होगा। तो मीनिंग, किसी भी शब्द का मीनिंग हमेशा एक नहीं रहता। कभी भी ये जो आजकल नए नए सब उटपटांग स्कॉलर आ गए ना, डिक्शनरी मीनिंग से संस्कृत का शब्द निकाल के कहते हैं हम स्कॉलर बन गए, सब सत्यानाश करते हैं शास्त्रों का, धर्म का भी, है ना। प्रकृति नाम हितेरी युक्त, यहाँ प्रकृति मतलब प्रजा। तो जो प्रजाओं के कल्याण में हमेशा रीत रहने वाला, यौवराज्य न संयुक्तम ऐच्छत प्रीत्या महीपति, ऐसे राम को दशरथ ने अपने राज्य में युवराज बनाने के लिए, अपना क्राउन प्रिंस बनाने के लिए सोचा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।